इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस। हेल्पेज फाउंडेशन सोसाइटी के तत्वावधान में युवा एकता मंच ने आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा ने कहा कि रक्तदान सर्वोच्च दान है, इससे किसी भी जरूरतमंद की जीवन बचाया जा सकता है। जिसके बाद बारी बारी से संगठन के पदाधिकारियों ने रक्तदान किया। तो हमारे संगठन में हेल्पेज फाउंडेशन सोसाइटी के तत्वाधान में युवा एकता मंच द्वारा जो है इस पर मंत्रणा हुई और ये निर्णय लिया गया कि इस कमी को और इस गड्ढे को इस कोरोना काल के समय पर पूरा किया जाएगा और भरा जाएगा इस कारण को। इसी कड़ी में आज हमारे संगठन के सभी पदाधिकारी सदस्य एवं अन्य गणमान्य लोगों द्वारा रक्तदान किया जा रहा है, जिसमें हमारे संगठन के रोहित साकी जी, शिवम मिश्रा, सत्यम कटियार, दीपक गुप्ता, रामजी द्विवेदी, विनीत गुप्ता जी, निखिल और हमारे ये एक जो टोपी लगाए बैठे हुए हैं गणमान्य व्यक्ति है 76 वाले इन्होंने जो है रक्तदान किया। मैं चाहूँगा कि आप इधर आए एक बार और संगठन के सभी लोग इनके लिए जोरदार ताली, इन्होंने अपने जीवन काल में 76 बार रक्तदान किया है, 76 टाइम जो है रक्तदान कर चुके हैं और अभी भी लगातार लगे हुए हैं, इनका आपको सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारे कोरोना वाले प्लाज्मा में लगे थे पूरे यूपी में मिस्टर मिस्टर फरकावाल, इन्होंने भी जो है सहयोग किया और रक्तदान भी किया। आप मैडम हैं, इनकी दिशा निर्देशन में भी जो है इन्होंने मोटिवेट किया आप लोगों को कि आप लोग रक्त दीजिए। तो हम सभी अपनी पूरी टीम का स्वागत करते हैं, पूरा हो गया अभिनंदन करते हैं।